हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू एसा एकेडमी आज मैं सिद्धि आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही वंडरफुल लेक्चर मैट्रीमोनियल रेमेडीज के ऊपर क्योंकि देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज अब मैरिज होती है तो मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं एंड वी नो दिस इज अ प्रैक्टिकल फैक्ट कि हर एक मैरिज सक्सेसफुल भी नहीं होती तो इसके लिए हमारे को हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन के तहत मैट्रीमोनियल रेमेडीज प्रोवाइडेड है और उनके तहत जो भी पर्सन अपने मैरिज में प्रॉब्लम फेस करता है कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो इससे अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकता है अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा इस सिचुएशन पे मेरी पूरी वीडियो बेस्ड है सिचुएशन ये है कि एक हस्बैंड और वाइफ आई मीन एक कपल है वेरिड कपल है अब उनकी मैरिज हो गई है एंड मैरिज वैलिड है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली अब उनको उनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है सपोज हसबेंड बहुत ज्यादा क्रुअल है वो मारता है अपनी वाइफ को या फिर सपोज वाइफ अडल्ट्री की सिचुएशन क्रिएट करती है दोनों को ऐसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है दोनों के बीच में बहुत ग्रजेस है फाइटिंग होती है और हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो मैरिज है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है एक हेल्दी मैरिज नहीं है लड़ाइया है खुद अलग हो जाते हैं तो क्या उनकी शादी टूट गई है ऐसा माना जाएगा अगेन अनदर क्वेश्चन अराइजेस की अगर हस्बैंड वाइफ को के चला जाता है और बहुत सालों तक वापस ही नहीं आता है तो क्या वाइफ जिंदगी भर अपने हस्बैंड का वेट करती रहेगी क्या उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है इस ज के लिए अनदर क्वेश्चन क्या लीगली ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिसके तहत वो अलग हो सके अगर उनको साथ नहीं रहना है तो वो अलग हो सके एंड द लास्ट क्वेश्चन अराइजेस क्या ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें वो दोनों अपनी रजामंदी से चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं ऐसे वो अलग हो जाएं जिसमें उन्हें म्यूचुअली अलग किया जाए सो आंसर इज यस इन सभी क्वेश्चन का आंसर येस yes है और इन आंसर में एक चीज छुपी हुई है विच इज मैट्रीमोनियल रेमेडीज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ नाइनटीन जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूं तो आइए स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मैट्रीमोनियल रेमेडीज होती क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है अब एक शादी होती है वो शादी जो होती है दो लोगों को लीग

रेमेडीज में प्रोवाइड किया जा सकता है अब मैट्रीमोनियल रेमेडीज में सबसे फर्स्ट सोल्यूशन है ऑफ कॉन्जुगल जो सेक्शन के अंडर सेकंड है जुडिशियल सेपरेशन जो सेक्शन टेन में आता है थर्ड इज डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज या फिर डिवोर्स जो सेक्शन थर्टीन में आता है देन इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो सेक्शन थर्टीन बी में आता है उसके बाद है इेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ये हम लास्ट में पढ़ेंगे सबसे तो आइए स्टार्ट करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन नाइन हिंदू मैरिज एक्ट में गवर्न किया जाता है और इसमें उन राइट्स की बात हम कर रहे हैं जो राइट्स एक शादीशुदा कपल को मिलते हैं जो राइट्स वो जिंदगी भर इंजॉय करते हैं जिन राइट्स के बेसिस पे वो अपने मैरिज के सारे ऑब्लिगेशन को पूरा करते हैं और हमारी शादी में हमारा कुछ अधिकार है वो अधिकार उनके ये राइट्स ही होते हैं तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो लाइक कीजिए आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए आगे बहुत अच्छी अच्छी लाने के लिए हां जी वहां पर एक बेल आइकन है वो भी जरूर प्रेस कीजिए आपके पास अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे सो लेट्स स्टार्ट कॉन्जुकल राइट में क्या होता है कि जब स्पाउसेज मैरिज करते हैं तो जब उनकी शादी हो गई है वो साथ में रह रहे हैं तो वो एंटाइटल हैं उनके पास इक्वल मेट्रीमोनियल राइट्स हैं वो एक मेट्रीमोनियल सोसाइटी में साथ में रह रहे हैं इन केस कोई भी एक स्पाउस जो है वो मेट्रीमोनियल सोसाइटी से अलग रहना स्टार्ट कर देता है एंड दैट टू विदाउट एनी रीजनेबल कॉज कोई रीजन ही नहीं है और एक स्पाउस अलग रह रहा है तो जो दूसरा स्पाउस है जो दूसरा पर्सन है वो पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अंडर सेक्शन नाइन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फॉर एक्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ हस्बैंड जो है वो वाइफ को छोड़ के अलग रहना स्टार्ट कर दिया है अब वाइफ अकेली रह, रह रही है बहुत टाइम हो गया है तो वाइफ पिटीशन फाइल कर सकती है, क्या है कि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज ना हो बिना किसी वजह के वो छोड़कर गया हूँ थर्ड इज को लगे कि आपका जो पिटीशन है वो सच्चा है कोर्ट का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है एंड इज लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए आप का हस्बैंड आपको छोड़कर गया है वो आपसे अलग बहुत समय से रह रहा है इसके लिए कोई लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए अगर लीगल ग्राउंड होता है तो आपका पिटीशन कैंसिल कर दिया जाएगा उसे माना नहीं जाएगा इसके लिए आई एम विद वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉज पहला केस लॉ है कृष्णमूर्ति वर्सेज श्यामनाथा कामिनी ये सेवन का केस लॉ है इसमें यह बात बोली गई थी कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है वो उस पार्टी के ऊपर रहता है जो पार्टी सोसाइटी विड्रॉ करके जाती है बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने इंग्लिश मेट्रीमोनियल लॉ से लिया था जो रिलीफ सेक्शन नाइन के अंडर दिया जाता है वो दिया जाता है तभी जब मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन के अकॉर्डिंगली सेक्शन फाइव में वैलिड है सेक्शन फाइव में मैरिज की वैलिडिटी कब होती है ये आप फैमिली लॉ की मेरी प्ले में जाकर के पिछली वीडियोस देख सकते हैं तो पिटीशन जो भी फाइल किया जाता है वो पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होगा अगर मैरिज वैलिड नहीं है अगर मैरिज नेसेसरी सेरेमनीज के अकॉर्डिंगली नहीं हुई है सेक्शन फाइव को फॉलो नहीं करती है तो वो पिटीशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी का क्या मतलब है कि जो भी कपल है उस कपल में अब को हैबिटेशन नहीं है वो साथ नहीं रह रहे हैं वो कॉन्जुगल राइट कॉन्जुगल रिलेशनशिप को आगे नहीं चला रहे हैं उनका मैरिटल रिलेशन नहीं चल रहा है वो एक दूसरे की कंपनी में कंफर्टेबल नहीं है और रीजनेबल कॉज का क्या मतलब होता है कि रीजनेबल कॉज फैक्ट्स पे डिसाइड किया जाता है क्या सर्कमस्टांसेस है वहां पे इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कोई फार्मूला फिक्स नहीं है जिस फॉर्मूला पे हम ये देख सकते हैं कि रीजनेबल कॉज क्या था बट इट शुड बी वेटी उसमें कितनी उस बात में कितना दम है इसके बेसिस पे पे हम रीजनेबल कॉज को डिसाइड करते हैं इस पे मेरे पास एक और केस लॉ है तिराद कौर वर्सेज कृपाल सिंह ये नाइनटीन का केस लॉ है जिसमें वाइफ जो है वो रिस्पोंडेंट है वो एक टेलरिंग कोर्स कर रही थी और उनको कहीं पे इम्प्लॉय किया गया तो वो दूसरी जगह पर रहने गई विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड वो अपने हस्बैंड की रजामंदी से गई अब हस्बैंड ने पिटिशन फाइल करा कुछ टाइम

केस लॉ इज सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार ये 1984 का केस लॉ है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो सेक्शन 9 का आइडिया है जो हमने ये इंट्रोड्यूस करा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ये इसीलिए है ताकि हम मैरिज को बचा सकें कोई भी ऐसा ऐसी सिचुएशन यहाँ पे अराइज नहीं होनी चाहिए जो किसी भी पार्टी में किसी भी हस्बैंड या वाइफ किसी का भी आर्टिकल फोर्टीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी को वायलेट करें राइट टू तो लाइफ या फिर राइट टू इक्वालिटी को वायोलेट नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल आप कॉन्जुगल राइट्स मांग रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की इक्वालिटी या फिर किसी की right राइट मतलब कि कुछ टाइम के लिए सिर्फ फॉर वन ईयर आप लोगों को अलग रहने को कहा गया है कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट में जा सकती है और एक डिक्री की मांग कर सकती है कि आप हमें सेपरेट कर दीजिए हम और लंबा समय साथ नहीं रह सकते पेटिशनर बोल सकता है कि मुझे रिस्पॉन्ड के साथ और ज्यादा नहीं रहना कोर्ट में में जाकर मैं प्रे कर रहा हूँ मुझे इस इंसान से अलग कर दीजिए अब सेपरेशन के टाइम पर होता क्या क्या है देखिए इनका कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता साथ रहें या ना रहे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कोई भी पार्टी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियली सेपरेट हो गए हैं तो आप मैरी नहीं कर सकते फ्रेश मैरिज आप दोबारा से नहीं कर सकते हैं एंड फ्रेश मैरिज का राइट आपको तभी मिलेगा जब आपकी मैरिज डिजोल्व हो जाएगी बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी 1976 की जिसमें जुडिशियल सेपरेशन के जो ग्राउंड्स थे वो चेंज किए गए थे पहले जो ग्राउंड्स थे वो सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल थे उसके बाद वो ग्राउंड हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल किए गए तो अब मैं आपको वो ग्राउंड बताती हूँ जिसके बेसिस पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए अब ये जो ग्राउंड है इसमें सबसे पहला ग्राउंड है अडल्ट्री अडल्ट्री का मतलब है कि दोनों में से कोई भी इंसान जो है वो वॉलेंटरीली सेक्शुअल इंटरकोर्स करता है किसी और सान के साथ तो अडल्टरी की शिकायत करके आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड ग्राउंड इज क्रुएलिटी जब कोई भी एक पार्टी बहुत बुरी तरीके से पिट रही है फिजिकली मेंटली क्रुएलिटी के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो वो पार्टी जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकती है थर्ड इज डिजर्शन डिजर्शन का मतलब होता है जब कोई भी एक पार्टी ने डिजर्ट कर दिया गया है वो कॉन्टीन्यूस मोर देन टू ईयर्स के पीरियड के लिए छोड़कर चली गई है तो दूसरी पार्टी जो है वो जो अग्रीव पार्टी है वो पिटिशन फाइल कर सकती है इसमें मेजर आपको चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी दैट देर इज अ फैक्ट ऑफ सेपरेशन हम अलग हैं काफी समय से वो पार्टी मुझे छोड़कर चली गई है सेकंड थिंग इज इंटेंशन आपको बतानी है कि वो जो गए हैं उनकी इंटेंशन है वो जान करके हमारे को को एंड करना चाहते हैं परमानेंटली इसीलिए वो गए हैं उनका कोई काम नहीं है कोई बिजनेस नहीं है ये चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी थर्ड थिंग इज कि नॉट लेस देन टू ईयर्स कम से कम आपका जो हैबिटेशन खत्म हुआ है वो दो साल से कम नहीं होना चाहिए एंड द लास्ट थिंग इज रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए अगर कोई रीजनेबल कॉज है या आपने कंसेंट दिया था तो उसके बेसिस पे आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते नेक्स्ट क्राउंड इज कन्वर्जन अगर किसी एक पार्टी ने अपना धर्म बदल लिया है नेक्स्ट ग्राउंड इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अगर कोई ऐसी सफरिंग हो गई है जिसकी वजह से दिमाग की डेवलपमेंट पूरी नहीं हो रही कोई साइकोपैथ डिसऑर्डर हो गया है इस केस में दूसरी पार्टी आ, मांग सकती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए नेक्स्ट ग्राउंड इज लेप्रोसी लेप्रोसी एक इनक्योरेबल फॉर्म का डिजीज होता है जो स्किन या इन्फेक्शियस डिजीज जिसे हम कह सकते हैं इनफैक्ट वो किसी भी बॉडी पार्ट पे हो सकता है तो इसकी वजह से इस डिजीज के कारण इसे ग्राउंड बनाया गया है कि आप दूसरी पार्टी जो है वो मांग कर सकती है कि मुझे जुडिशियल सेपरेशन चाहिए नेक्स्ट ग्राउंड इज वेनरल डिजीज वेनरल डिजीज एक कम्युनिकेबल डिजीज है ये कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है जो एंड सीरियस कम्युनिकेबल डिजीज ये बात आपको ध्यान रखनी है ऐसे तो कोल्ड भी कम्युनिकेबल होता है इसका मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर को कोल्ड हुआ है और आप कोर्ट में पिटिशन लेके चला जाए कि इन्हें कोल्ड हुआ है मुझे जुडिशली सेपरेट कीजिए ऐसा नहीं होगा वेनरल डिजीज जो है कोई सीरियस डिजीज होना चाहिए जो कम्युनिकेबल हो इसके बेसिस पे आप जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड कर सकते हैं नेक्स्ट ग्राउंड इज रेनसिएशन ऑफ वर्ल्ड अगर कोई भी एक पार्टी जो है उसने वर्ल्ड को रेनंस कर दिया है किसी रिलीजियस ऑर्डर में वो सन्यासी बन गए हैं हिमालय पर चले गए हैं और कहते हैं अब मैं वापस नहीं आऊंगा मैं तो भगवान की भक्ति में लीन हूं

मोर देन 7 इयर्स के लिए चला जाता है और आपको कोई अता पता नहीं है ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया तो इस बेसिस पे आप जुडिशियल सेपरेशन की डिमांड रख सकते हैं अब मैं आपको उन ग्राउंड्स के बारे में बताती हूँ जो सिर्फ वाइफ्स को अवेलेबल हैं क्या-क्या ग्राउंड है, क्या -क्या है? बाईगेमी अगर हस्बैंड बाईगेमी करता है तो उस केस में वाइफ ज्यूडिशियल सेपरेशन की डिमांड कर सकती है अगर हस्बैंड गिल्टी है रेप के लिए सोडोमी सोडोमी का मतलब होता है एनल और ओरल सेक्स बिटवीन सेम और डिफरेंट जेंडर तो इस केस में वाइफ जो है वो अप्लाई कर सकती है न इज बेस्टियालिटी बेस्टियालिटी मतलब अगर आपका हस्बैंड इंटरकोर्स करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी भी ह्यूमन या एनिमल के साथ बेसिकली तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट इज कि मेंटेनेंस के ऑर्डर के बाद आपके बीच में को नहीं है तो इस केस में वाइफ अप्लाई कर सकती है एंड द लास्ट इज ऑप्शन ऑफ प्यूवर्टी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी औरतों के पास एक ऐसा राइट होता है कि अगर प्यवर्टी से आपकी पहले आपकी मैरिज फिक्स हुई है या आपके उससे पहले आपकी मैरिज हुई है तो प्यूवर्टी की एज अटेन करने के बाद आपकी मर्जी है कि आप उस मैरिज को एक्सेप्ट करें या रिप्यूडिएट करें तो वो आप की मर्जी है अब नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सिक्वेंसिस क्या होते हैं जुडिशियल सेपरेशन अगर हो गया है तो उसका रिजल्ट क्या है उसका सबसे पहला और सबसे मेन रिजल्ट यह है कि आपकी मैरिज खत्म नहीं हुई है डिजोल्व नहीं हुई है जनरली कंफ्यूजन क्रिएट होती है इस चीज को लेकर के बट जुडिशियल सेपरेशन हुआ है इट इज जस्ट अ सेपरेशन आपकी मैरिज को डिजोल्व नहीं किया गया है सेकेंड इज डिक्री को पास करने के बाद हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो साथ नहीं रहेंगे थर्ड इज अब पार्टीज जो है उन्हें कोहैबिट करना एक दूसरे के साथ ऑब्लिगेटरी नहीं है वो रहें ना रहे वो उनकी मर्जी है बट यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो मैरिज सेरेमनीज की कोई जरूरत भी नहीं है बिकॉज आपकी मैरिज टूटी नहीं है कि आप दोबारा शादी करेंगे आप नॉर्मली साथ में आकर के रह सकते हैं अगर कोई भी एक पर्सन जो है वो इस दौरान दूसरी मैरिज कर लेता है तो वो बाई बाई गैमी के लिए उसका ऑफेंस है वो पनिशेबल होगा नेक्स्ट इज राइट ऑफ मेंटेनेंस कैन बी क्लेम्ड जुडिशियल सेपरेशन के बाद आप मेंटेनेंस का राइट लगा सकते हैं उसके म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन जो आपके एक शादीशुदा जिंदगी में होते हैं वो वो सेपरेशन के दौरान सस्पेंड हो जाते हैं वो आपको उस टाइम पे फॉलो नहीं करने होते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट केस लॉज मैं आपको बताती हूं, क्योंकि सेपरेशन जो है जब मैरिज को डिजोल्व किया जाता है वो उससे अलग होता है तो जब सेपरेट आपको किया गया है तो उस केस में यह है कि आपको कोर्ट ने थोड़े टाइम के लिए अलग रहने को बोला है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है मेरे पास श्यामचंद वर्सिस जानकी सिक्स का केस लॉ है इसमें हस्बैंड ने जुडिशियल सेपरेशन के लिए

और उस पर आपकी रिक्वेस्ट तभी मानी जाती है जब आपको ग्राउंड प्रूव हो जाता है तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको ग्राउंड को प्रूव करना होगा दिस इज वेरी टू की जुडिशियल सेपरेशन जो है वो एक प्रीसीडेंट है उसके बाद डिवोर्स होता है बट दिस इज लेसर इविल अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है तो कोर्ट ये ट्राई करता है कि हम जुडिशियली सपरेट करें क्योंकि कोर्ट का सबसे पहला प्रायोरिटी ये ही रहता है कि कोर्ट आपकी मैरिज को टूटने ना दे इस बंधन को तोड़ा ना जाए इसे जोड़ने की कोशिश की जाए आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं नेक्स्ट है हमारे नेक्स पास डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज विच इज अंडर सेक्शन थर्टीन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैरिज को डिजोल्व कर दिया जाता है इसके बाद पार्टीज जो हैं वो अनमैरिड दोबारा से वो अपना स्टेटस गेन कर सकती हैं वो वापस से अनमेरिड कहलाती हैं इसके बाद वो वापस से शादी भी कर सकती हैं और जो ग्राउंड्स हैं जुडिशियल सेपरेशन के लिए वो ग्राउंड सेम है डिवोर्स के लिए भी दो बुद्ध ग्राउंड आर कॉमन नेक्स्ट थिंग इज थ्योरीज ऑफ डिवोर्स हमने देखा है अलग अलग थ्योरीज हैं डिवोर्स की और इसमें सबसे पहली थ्योरी है गिल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स या फिर ऑफेंस थ्योरी भी कह सकते हैं नेक्स्ट इज कॉन्सेंट थ्योरी ऑफ डिवोर्स जिसे म्यूचुअल कॉन्सेंट बोलते हैं थर्ड इज इेट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज एंड दिस इज मेन थ्योरी ऑफ डिवोर्स तो आइए स्टार्ट करते हैं गिल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स से गिल्ट थ्योरी ऑफ डिवोर्स में क्या कहा गया है कि अगर मैरिज डिसॉल्व होती है और उसका ग्राउंड ये रहता है कि कोई भी एक पार्टी जो है उसने मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है ऑफेंस जो भी होगा वो ग्राउंड होना चाहिए डिवोर्स का गिल्टी थ्योरी जो है वो ये कहती है कि जो गिल्टी पार्टी होती है वो अपनी बात को क्लेम करें और उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूव होता है कि वो ये प्रूव करें कि मैंने गिल्ट नहीं करा है और जो इनोसेंट पार्टी है वो ये बताएगी कि इन्होंने गिल्ट करा है दोनों के ऊपर यह प्रूव होता है उन्हें यह प्रूव करना पड़ेगा यह ग्राउंड प्रूव होगा तभी

बेसिस पे आप डिवोर्स नहीं अप्लाई कर सकते मेजर ऑफेंस जो है इसमें क्या माना जाता है अडल्ट्री क्रुएलिटी डिजर्शन ये सारी चीजें जो है इंग्लैंड और यूएसए से भी एप्लीकेबल होती आई है और इन्हें बहुत ज्यादा आगे तक फॉलो किया जाता है नेक्स्ट इज कॉन्सेंट थ्योरी कॉन्सेंट थ्योरी में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो डिवोर्स म्यूचुअल कॉन्सेंट से किया जाता है जब पार्टीज ने अपनी मर्जी से मैरिज करी है तो उनके पास पूरा पूरा अधिकार है वो अपनी मर्जी से अपनी मैरिज को डिजोल्व भी कर सकते हैं वो अपनी मैरिज उन्होंने करी है अगर उसके बाद उन्हें यह रियलाइज होता है कि हमसे तो गलती हो गई

केस में हम डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफर करते हैं कि मैरिज जो सक्सेसफुल नहीं लगती उसमें कपल अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी से म्यूचुअली कोर्ट में आकर के बोल सकता है कि हमें म्यूचुअल कंसेंट से अलग कर दीजिए वेरी नेक्स्ट थिंग इज इनरेट्रिवेबल ब्रेकडाउन थ्योरी ये थ्योरी ये कहती है कि अगर एक मैरिज जो है वो टूटेगी ही टूटेगी उस मैरिज की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं वो रिपेयर हो ही नहीं सकती देन इट शुड बी डिजोल्व उसे तोड़ ही दो लेजिस्लेचर का ये कहना है कि जो मैरिज इसका ब्रेकडाउन होता है वो कोर्ट में होता है अगर कोर्ट के पास ऐसा कोई ऑप्शन बचे ही ना कि अब मैं इस मैरिज को किसी तरीके से नहीं जोड़ सकता देर इज नो ऑप्शन लेफ्ट कोई आशा बची ही नहीं है अब इस शादी को जोड़ने की देन कोर्ट शुड डिजोल्व दैट मैरिज उसे अब तोड़ देना चाहिए और इसको तोड़ने के पीछे कुछ ग्राउंड हैं डिवोर्स के लिए हिंदू लॉ में कुछ ग्राउंड रखे गए हैं मैं फॉल्ट ग्राउंड बता रही हूं आपको सबसे पहले जो मेन ग्राउंड हैं जो ईदर पार्टी मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है उसमें पहला है अडल्ट्री अडल्ट्री कम्स अंडर सेक्शन थर्टीन क्लॉज वन देन क्रुएल्टी क्रुएल्टी सेक्शन थर्टीन क्लॉज वन ए एंड उसके बाद डिजर्शन सेक्शन थर्टीन क्लॉज वन बी कन्वर्जन मैंने आपको बताया था जब धर्म बदल लेते हैं उसके बाद इंसैनिटी अगर कोई भी एक पार्टी जो है वो पागल हो गई है या कोई साइकोपैथ डिसऑर्डर है लेप्रोसी जो डिजीज हो जाती है जो पूरी बॉडी पे कहीं पर भी हो सकती है इसकी वजह से आप अप्लाई कर सकते हैं वेनरल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है और बहुत सीरियस डिजीज है देन इज रेनसिएशन ऑफ वर्ल्ड सन्यासी बन गए बाबा बन गए हिमालय पर चले गए तो उस केस में आप डिवोर्स मांग सकते हैं प्रिज्यूम डेथ है कि आपको पता ही नहीं है इतने समय हो गया कहां गायब है एंड सेवन ईयर्स का टाइम पीरियड इसमें कंपल्सरी है उसके बेसिस पे डिवोर्स अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ वाइफ के पास कौन कौन से ग्राउंड है।, है, है, होते होते है, साथ, साथ है तो बाइगेमी के लिए वाइफ अप्लाई कर सकती है बायमी करी है नेक्स्ट इज सेक्सुअल ऑफेंस हस्बैंड कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है केस में सोडोमी है बेस्टी है तब वाइफ बोल सकती है देन इज नॉन रिजम्पन ऑफ मैरिज आफ्टर डिग्री ऑफ मेंटेनेंस अगर वाइफ ने मेंटेनेंस मांगने की कोशिश करी तो उसके बाद वो तो मैरिटल कोहेबिटेशन कर ही नहीं रहे हैं एंड द लास्ट इज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी से पहले अगर मैरिज फिक्स हुई है डिसाइड हुई है या शादी हुई है तो प्यूबर्टी के बाद वाइफ के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें इसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं ब्रेक डाउन ग्राउंड जिनके बारे में मैं अभी अभी आपको बताने वाली एंड एंड म्यूचुअल कंसेंट के साथ में भी हम अभी बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं लास्ट इज कस्टमरी डिवोर्स डिवोर्स अंडर स्पेशल लॉज जैसे अलग अलग लॉज बने हुए हैं जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वैसे ही मुस्लिम्स का अलग एक्ट होता है मैरिज के लिए क्रिश्चियंस का अलग होता है पारसीज का अलग होता है तो उनके जो कस्टमरी लॉज होते हैं वो स्पेशल मैरेजेस को लेकर के अलग होते हैं उनके बेसिस में ग्राउंड uh, जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ बताने वाली हूं बी अंसुरिया वर्सेस बी राजैया ये 1971 का केस लॉ है इसमें जो डिक्री है ये बोला गया था कि अगर वाइफ ने मेंटेनेंस की डिग्री मांगी है वाइफ ने यह सोचा था कि मुझे डिग्री मिलेगी मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड ने ये प्लीड करा कि मैं डिग्री तो ऑप्टेन कर ली है इसने अब जो वाइफ है वो मेरे साथ रहने के लिए वापस आए तो कोर्ट ने यह बोला कि लॉ तो ये बनाया गया है कि आपको अगर मेंटेनेंस मांगी भी गई है तो उस टाइम पे जो रिजम्पन ऑफ कोहैबिटेशन है इट पुट्स टू एन एंड अगर आप मेंटेनेंस की डिग्री आपने मांग ली और उसके बाद आप साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं तो जो आपकी मेंटेनेंस की डिग्री है इट कम्स टू एन एंड फिर इसका मतलब आपके बीच में कोई इशू नहीं है अब आप साथ रहने रजामंद है तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन साउंड कॉमन सेंस मानने की बात है अगर, अगर आपके वो नहीं चाहिए अगर आपका इशू सॉल्व हो गया है तभी तो आप साथ रह रहे हैं बट अगर आप साथ रह रहे हैं तो फिर maintenance के कोई इशू ही नहीं होना चाहिए पढ़ने वाले सेक्शन थर्टीन क्लॉज बी में डिवोर्स क्या मतलब है मैंने अभी आपको बताया जब म्यूचुअली पार्टी कोर्ट के पास जाती है और कहती है कि अब हमें साथ नहीं नहीं रहना आप हमें अलग कर दीजिए ये जो पिटिशन है फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट यह प्रेजेंट किया जा सकता है और ये ज्वाइंटली प्रेजेंट करते हैं स्पाउस इसके लिए फॉलोइंग कंडीशन को फॉलो करना होता है कि हम जो है एक साल से अलग रह रहे हैं दूसरी बात कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते कुछ भी हो जाए और हमने म्यूचुअली अग्री कर लिया है कि अब हमें अलग रहना है क्योंकि ये कंडीशन हम मैरिज की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं हम सक्सेसफुली अपनी मैरिज को नहीं चला पा रहे हैं तो अब हमें अलग होना है ये नेसेसरी नहीं है पार्टीज के लिए कि वो अलग अलग रहें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा राइज किया जाता है कि अगर पार्टीज एक छत के नीचे रह रही हैं तो एक छत के नीचे रहने के बाद क्या वो म्यूचुअली सेपरेट नहीं हो सकती सो आंसर इज यस वो म्यूचुअली सेपरेट हो सकती हैं इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द पार्टीज टू लिव सेपरेटली दे देखो लिव अंडर वन रूफ वो सेम रूफ के नीचे रह सकती हैं, बट but... वो हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशन मेंटेन नहीं करेंगी उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगी कोहैबिटेशन नहीं होगा जब पिटीशन आपने कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया है उस पिटीशन को आप विड्रॉ भी कर सकते हो सपोज आपने पिटीशन प्रेजेंट कर दिया बट उसके बाद आप लोगों की रजामंदी हो गई और आप लोगों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई कि नहीं यार हम तो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते तो अट्ठारह महीने के टाइम पीरियड से पहले पहले आप जाकर के कोर्ट में वो डिग्री को विड्रॉ कर सकते हैं मना कर सकते हैं कि डिग्री पास मत कीजिए प्लीज विड्रॉ करते हैं हम अपना पिटीशन जो कंसेंट होता है म्यूचुअल डिवोर्स का वो बहुत फ्री होना चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है यहाँ पे सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश ऑफ 1992 इस केस लॉ में यह बोला गया था कि सपोज म्यूचुअल डाइवोर्स आप लोगों का हो जाता है और उसके बाद पता चलता है कि कोई एक पार्टी जो है उसका कंसेंट फ्री नहीं था देन उसे कोर्ट रद्द कर सकती है आपके म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट रद्द कर सकता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक और केस लॉ है दविंदर सिंह नरूला वर्सेज मीनाक्षी नांगिया इसमें यह बोला गया था कि पिटीशन जो आपने फाइल करा है उसके बाद कोर्ट एटलीस्ट छह महीने तक का वेट करता है उसके बाद सेकंड मोशन मूव करता है हाईकोर्ट कभी कभी इस चीज को वेव कर देते हैं डिस्क्रिप्शनरी ऑर्डर पास करके हाईकोर्ट कभी कभी ग्रांट कर भी देते हैं सेक्शन थर्टीन बी में यह बोला गया था कि जो सिक्स का पीरियड होता है ये कूलिंग पीरियड होता है हो सकता है उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई हो हस्बैंड वाइफ में और उसके बाद वो लड़ाई ठंडी हो जाए वो शांत हो जाए उन्हें समझ में आ जाए कि व्हाट इज द लिबरल कंसेप्ट ऑफ मैरिज हमें साथ में रहना है और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाए और म्यूचुअल कंसेंट को तोड़ना चाहे वो साथ में दोबारा रहना चाहे तो वो सिक्स मंथस का टाइम पीरियड उनके लिए कूलिंग पीरियड होता है है बट स्पेशली जो पार्टी जनरली होती है उनको ये लंबा समय दिया जाता है ताकि एक चांस हो री का वो सोच विचार कर सके ये बात कही गई थी देवेंद्र सिंह नरुला वर्सेस मीनाक्षी नांगिया के केस में और इस चीज को अप्रूवल भी दिया गया था कि सिक्स मंथ्स का टाइम पीरियड जो है इसे वेव नहीं करना चाहिए बट सपोज कीजिए अगर पार्टी ने कोई मोशन पास किया ही नहीं पार्टी आई ही नहीं पार्टी ने बात की ही नहीं तो उसके बाद जो आपने पिटीशन पिटीशन पहले फाइल किया था वो डिसमिस हो जाएगा तो ये भी आपके पास एक तरीका है सपोज कीजिए कि, कि आप ये चाहते हैं कि नहीं अब हमें म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स अप्लाई नहीं करना है हमें साथ में रहना है तो आप जाइए ही मत कोर्ट आपका जो पिटीशन है वो ऑटोमेटिकली रद्द कर दिया जाएगा सेकेंड मोशन जो है वो पास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तभी डिग्री आएगी अदरवाइज डिग्री नहीं मिलेगी और डिग्री को रद्द भी किया जा सकता है मैंने आपको बताया अगर कोई भी एक पार्टी आकर के कहती है कि मेरा कॉन्सेंट नहीं था जनरली पिटिशन्स जो हैं वो मैरिज के एक साल के तो बाद ही फाइल करने होते हैं अगर सपोज कीजिए आपकी मैरिज को एक साल भी नहीं हुआ है तो आप म्यूचुअल कॉन्सेंट के डिवोर्स की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हैं मेमोरेंडम होता है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये म्यूचुअली आपको साइन करना होता है दोनों पार्टीज को कि डिवोर्स को फाइनलाइज किया जाए हम चाहते हैं कि ये मेमोरेंडम हम साइन कर रहे हैं अब हम एक साथ नहीं रह सकते डिक्रीज को साइड रखा जा सकता है अगर यह बोला जाए बाद में कि मेरा कंसेंट जो है वो लिया गया था दिस इज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइए नेक्स्ट थिंग देखते हैं पहले जो डिवोर्स होता था वो सिर्फ गिल्ट थ्योरी के बेसिस पे होता था बट धीरे धीरे ये जो थ्योरी थी ये फेल होती हुई नजर आई तो उसके बाद जो ब्रेकडाउन है वो इंट्रोड्यूस किया गया और इनरेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ग्राउंड को लाया गया और इसके बेसिस पे कोई भी एक पार्टी जो है वो पिटिशन प्रेजेंट कर सकती है डिजोल्यूशन के लिए वो बोल सकते हैं कि मुझे डिग्री दीजिए मुझे डिवोर्स चाहिए और उसके लिए दो इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जो उन्हें पूरे करने होंगे उन्हें यह बताना होगा कि हम एक साल से अलग रह रहे हैं इज नो no और उन्हें यह बताना होगा कि एक साल से कोई भी कॉन्जुगल की मेंटेनेंस नहीं हो रही है ऐसे केसेस में क्वेश्चन पे यह खड़ा होता है कि गिल्टी कौन है इनोसेंट कौन है बट यहाँ पे एक मेजर बात यह आती है कि दोनों पार्टीज का जो है वो राइट right है उनके पास ग्राउंड है वो प्रेजेंट कर सकती है कोर्ट में आ सकती है वो क्लियरली ये प्रूव कर सकती है कि हमारी मैरिज जो है वो एक कंप्लीट फेलियर है जब क्लियर इंटेंशन

उंड अगर नहीं लगता हमें सही कि नहीं ये तो सही ग्राउंड नहीं है इसके बेसिस पे डिवोर्स नहीं देना चाहिए तो डिवोर्स ग्रांट नहीं किया जाएगा ये भी बोला गया है कि हस्बैंड ने अगर वाइफ के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि इसने अडल्ट्री करी है और वो इस बेसिस पे डिग्री लेना चाहता है रेस्टिट्यूशन की बट उसने वाइफ को जो है अलाउ करा है कि आप जाइए और आप ये सब चीजें कीजिए उसके बाद वो वाइफ के ऊपर अडल्ट्री का ब्लेम लगाता है उस केस में भी इस ग्राउंड को कैंसिल कर दिया जाएगा डिवोर्स नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसके पीछे एक साजिश समझी जाएगी कि वो खुद ब खुद अपनी वैरिज को तोड़ना चाहता है तो उसकी ये जो नॉटी इंटेंशन है इसके पीछे इसके बेसिस पे उसे डिवोर्स ग्रांट नहीं किया जाएगा अनडियो एडवांटेज इस चीज का लेना गलत है और वो कोर्ट नहीं उठाने देगा सेवेंटी रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की जिसमें रिकमेंड किया गया था कि डिवोर्स के लिए जो है एक कम से कम थ्री ईयर्स का पीरियड होना चाहिए या थ्री ईयर्स से ज्यादा का पीरियड होना चाहिए जिसमें पार्टी को सोच विचार करने का टाइम देना चाहिए और उन्हें रिकमेंड किया जाना चाहिए कि आप दोनों सेपरेट ना हो बट द बेस्ट थिंग वी कुड है जो उंडबल ब्रेकडाउन है मैरिज का ये ग्राउंड जरूरी है ताकि हस्बैंड या वाइफ किसी का भी ना हो पाए किसी की भी बात का ना लिया जाए इवन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ ये बोला गया था कि एफर्ट्स करने चाहिए रिकनसिलेशन के बट अगर लगे कि रिकनसिलेशन फेल हो रहा है दो साल तक पार्टी साथ रही ही नहीं है तो ये बहुत ही जस्ट और रीजनेबल क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे इेट्रीबेबल ब्रेकडाउन मैरिज का किया जा सकता है आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर होगी आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वीडियो को लाइक कीजिए अपने सजेशन और अपने कॉमेंट्स और अपने डाउट्स के साथ फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स